मैं प्रिया, आपका स्वागत है मेरे चैनल फाइन किचन्स में। मैं आज महाराष्ट्र की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी ठेचा बनाने जा रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होता है और आपके किसी भी तरह के खाने में टेस्ट को कई गुना बढ़ा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज बहुत ही पॉपुलर रेसिपी मिर्ची का ठेचा। इसके लिए 100 ग्राम हरी मिर्च, आधा कप मूंगफली और 12 से 15 कली छिली हुई लहसुन का लिया है। सबसे पहले मूंगफली को कढ़ाई में डालकर उसे धीमी आंच पर करीब 5 से 6 मिनट तक लगातार चलाते हुए भुने। जब अच्छे से भुना हो जाए तो उसे प्लेट में निकाल के उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर मिर्ची लेते हैं और मिर्ची के सारे जो डंटल है उसको निकाल के उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। फिर 4-5 पानी से धो के उसको जो है रख देते हैं। फिर जो ठंडा हुआ मूंगफली है उसको लेते हैं, उसका छिलका जो है पहले हाथ से रगड़ के उसको निकाल लेते हैं। फिर उसको अच्छे से जो है छान के उसको जो है मूंगफली को छिलके से अलग करके उसको भी साफ करके रख लेते हैं। फिर मूंगफली को भी ग्राइंडर में डाल के उसको अच्छे से जो है दरदरा पीस लेते हैं। जब पीसा हो जाए तो उसको जो है प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद लहसुन को भी अच्छे से ग्राइंडर में डाल के उसको भी दरदरा पीस के एक साइड कर लेते हैं, रख लेते हैं उसको। फिर साफ किया हुआ मिर्ची लेते हैं, उसको भी अच्छे से पीस के, उसको भी पेस्ट नहीं बनाना है, उसको भी जो है मिक्सी में थोड़ा दरदरा ही पीसना है, तो उसको भी मैं पीस के रख लेती हूँ। फिर कढ़ाई को थोड़ा गर्म करके उसमें 2 टेबलस्पून जो है सरसों तेल डाला और उसमें 2 टीस्पून जीरा डाला। जब जीरा कलर चेंज करने लगे तो फिर उसके बाद उसमें जो है दरदरा पिसा हुआ लहसुन डालते हैं। फिर उसको लगातार चलाते हैं, उसे तब तक चलाना है जब तक कि जो है लहसुन जो है थोड़ा कलर ना चेंज करने लगे। जब कलर चेंज हो जाए, थोड़ा लहसुन सॉफ्ट हो जाए, तो उसमें मिर्ची जो है दरदरा पिसा हुआ मिर्ची डालते हैं। मिर्ची को भी अच्छे से उसको मिला के उसको पकाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों कि जो मिर्ची जो है धीमी आंच पर ही पकाइए, तो इससे क्या होगा कि जो है ठेचा अच्छा बनेगा। फिर स्वाद के अनुसार उसमें नमक डालिए और उसको चलाते रहिए, करीब 5 मिनट चलाते रहिए। और ध्यान रखिए दोस्तों कि मिर्ची जो है कढ़ाई में ना चिपके। फिर उसमें दरदरा पिसा हुआ मूंगफली ऐड करिए और उसको चलाते रहिए। उसको लगातार करीब 5 मिनट तक चलाना है, जब तक मूंगफली मिर्ची में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। फिर 1 टेबलस्पून उसमें विनेगर डालते हैं और फिर उसको चलाते हैं। करीब विनेगर डालने के बाद 2 मिनट उसको छोड़ दीजिए धीमी आंच पर ही, और फिर उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। ठेचा तैयार है। ये महाराष्ट्रीयन ठेचा हर जगह पसंद किया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट्स करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।